प्लीज मार्केट्स पे आइए, मार्केट्स थोड़ा सा अगर आप देखें इस वक्त पेन में है, करीब करीब 300 अंक नीचे, ऑलमोस्ट 19374 के स्तर पे निफ्टी बैंक डे लो पर 85 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी। आई थिंक वी नीड सम मोर क्लैरिफिकेशन, आई मीन पाकिस्तान डेली न्यूज़ पे अभी मैं नहीं जाऊँगा, उस पर अभी कोई इनपुट्स नहीं है हमारे पास, लेकिन आई मीन इनपुट जो था हमारे पास आपसे वो थी आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई मीन एक मैसेज टू इन्वेस्टर्स, अमीषा जी आप क्या देना चाहेंगे एग्जैक्टली इस वक्त इन लेवल्स पे, दोज हु आर होल्डिंग सीरियस इन्वेस्टमेंट्स? निपुण आपकी राय? वेल, मैं समझता हूँ इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, पैनिक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो मार्केट्स कुड करेक्ट फर्दर, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट्स गोइंग टू रिमेन ऑन दैट लेवल। हम एज एंड व्हेन द सिचुएशन स्टेबिलाइजेस बाउंस बैक भी उतना ही तेज देखेंगे। सो आवर सेंस इज टू वेट एंड वॉच ऑन द साइड। जब इस तरह का पैनिक होता है, अभी आप पिछले 5 मिनट के मार्केट से सिचुएशन देख लीजिए, निफ्टी वॉज डाउन मोर देन 150 पॉइंट्स और उसमें भी थोड़ी रिकवरी हुई है। तो मतलब एक पेंडुलम स्विंग करता है, तभी किस एक्सट्रीम तक करता है कहना मुश्किल हो जाता है। तो इस पैनिक में अगर आप बेच देते हैं तो एक गिरती तलवार का फॉलिंग सोर्ड के नीचे हाथ रख देते हैं, उस तरह हो जाता है। सो आई थिंक लेकिन निपुण आपको लगता है कि लेटर हाफ और क्रिटिकल होगा, थोड़ा सा और दर्दनाक हो सकता है लेटर हाफ मार्केट्स का आज का? इट्स पॉसिबल पार्टली बिकॉज ऑफ द एस्केलेटेड शॉर्ट सेलिंग, काफी शॉर्ट सेलर्स ने इसमें पोजिशन ले ली होगी, एंड रोल ओवर है और आई थिंक फ्रेश एक्सपायरी के लिए एक शॉर्ट पोजिशन जरूर हो सकती है। बट माई सेंस इज ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉट ऑफ शॉर्ट सेलर्स माइट वांट टू बुक प्रॉफिट। चलिए शुक्रिया निपुण आपके इस पूरी चर्चा के लिए। इस बीच में एक आपको टेक्निकल अपडेट भी दे दूं कि एट 8631 निफ्टी के लिए जब 113 अंक नीचे, याद रखिए ऐसी खबर के बीच अमूमन एवरेजेस लेवल्स बेमानी हो जाते हैं। अब देखिए अभी हम कहाँ खड़े थे, अब कहाँ हैं, वी आर बिलो 200 ये सॉरी 50 डेमा आपका 8650 के जोन में था। और उधर जरा निफ्टी बैंक दिखाइए प्लीज एक बार, जरा निफ्टी बैंक 19300 के जोन में, ऑल्सो निफ्टी बैंक एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि अमूमन ऐसे हालात में एवरेजेस काम नहीं करते। राकेश आपकी राय में सेकेंड हाफ कितना क्रिटिकल, कितना नेगेटिव, कितना पेनफुल हो सकता है आपका? वीरेंद्र काफ़ी पेनफुल होगा, जिस तरीके से लेवल टूटा है और जिस तरीके से चार्ट डिस्टॉर्ट हुए हैं, मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत है। 8550 तक मुझे लगता है आराम से फिसलने का दमखम रखता है। अभी नीचे में 8600 से हमने एक पुलबैक देखा था, एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है। ओके बट नितिन मैं आपके पास आऊँगा, अब आप बताइए ये जो क्लोजिंग के और आई थिंक एक्सपायरी के क्लोजिंग के डायनेमिक्स जो है ना, वो सडनली चेंज हो गए हैं ऑल टुगेदर, आपको क्या लगता है? एंड स्पेशली जो रोल ओवर्स लॉन्ग साइड पे होने थे उनकी तरफ काफ़ी प्रेशर आएगा नितिन? कि जिनको लॉन्ग रोल ओवर्स करना था बहुत तो ने कर लिया है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा पोजीशन काफी जाना चाहिए, आपका रिस्क काफ़ी क्रिएट हो जाता है। जरूर यहाँ पे लॉस होगा, बट अनसर्टेन इन्वायरमेंट में बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि लॉट साइज काफ़ी बड़े बड़े हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं काटना चाहते तो मेरे ख्याल से आपको उस स्टॉक की पुट ऑप्शंस जरूर खरीद लेनी चाहिए, महंगी मिलेगी बट आपकी प्रोटेक्शन कैपिटल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो जो 2 करोड़ के आसपास का शेयर रोल ओवर्स हुआ होगा वो काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे रोल ओवर्स हुए हैं, क्योंकि अगर 4 दिन की एवरेज लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8800 के आसपास आ रही है। तो लॉन्ग स्टक हैं, शॉर्ट यहाँ पे हावी हो चुके हैं, स्टॉक्स में भी ऐसा ही है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा महीना प्रेशर रह सकता है। इनफैक्ट हम लोग जैसे अभी राकेश जी बता रहे थे कि 85 के नीचे भी जाने की संभावना है। ओके, इसमें 8600 के नीचे है निफ्टी, 145 अंक नीचे, 8600 के नीचे। नितिन आई मीन अब आपकी राय क्या होगी? आई मीन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस क्लोजिंग के और इस सीरीज की एक्सपायरी के डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गया ऑल टुगेदर सडनली। आई मीन अब लॉन्ग ट्रेड्स को चाहे वो निफ्टी पे हों या फिर स्टॉक फ्यूचर्स पे हों, काटना ही ठीक होगा ऐसे में, या फिर मान लीजिए मैं स्टॉक पे लॉन्ग हूं कैश में या फिर फ्यूचर में, कौन सा पुट ऑप्शन सिक्योर करना चाहिए आपको जिस जोन में हम आ चुके हैं उसको देखते हुए? देखिए एट द मनी के आसपास की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पुट में मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो थोड़ा प्रीमियम जाएगा, आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है। अगर क्योंकि यहां से अगर बड़ी सेलिंग आ गई तो जिस तरीके से लॉट साइज है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट 8-8 लाख 9-9 लाख का है, अगर 5-7% का भी फॉल आया तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप एट द मनी पुट लें, और अगर बाउंस आता है तो ठीक है, पुट में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बट आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मेरे समझ से एट द मनी की जो नज़दीक की आपकी पुट मिल रही है वो लेके हेजिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप काट सकते हैं, थोड़ा लॉस है, तो मेरे ख्याल से अनसर्टेन इन्वायरमेंट में पोजिशन काट के जाए वो ज़्यादा बेटर होगा। इस बीच अगर आप देखें 8610 पे निफ्टी डे लो पर कारोबार कर रहा है, निफ्टी बैंक डे लो पर है,
आई मीन नितिन, मैं शायद फ्लो के साथ थोड़ा जाना चाहूंगा. आई मीन कुछ शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स, वो स्ट्रक्चर्स जो कि पहले से ही वीक थे, जस्ट पूरी इंस्टेंस ऑफ M&M जो पहले से ही वीक था, इनमें क्या करना चाहिए? जो वीक स्ट्रक्चर्स पहले से ही है, जहां पर लिक्विडेशन की तैयारी पहले से ही हो रही थी, उनमें क्या करना चाहिए इस वक्त? या फिर आपकी तरफ से प्रेफर्ड शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स कौन से होंगे इस वक्त? देखिए, मैंने दो स्टॉक निकाले थे, बट उसके टारगेट ऑलरेडी अभी फॉल में हो चुका. जैसे हम लोगों ने सो चालू किया था तो 87 के आसपास निफ्टी थी, 86 का टारगेट था, वो भी आ गया. भारत फोर्ज में एक मैंने शॉर्ट के लिए टारगेट लिया था 860 का, बट फॉर्चुनेटली उसमें अभी ट्रेड मिल गया. मुझे लगता है कि भारत फोर्ज अभी और वीक हो सकता है. अशोक लीलैंड जो ऑलरेडी दो महीने से वीक है, उसमें और आप सेलिंग देख सकते हो करीब 72-73 के ख्याल से. तो अशोक लीलैंड में कम से कम बाइंग अवॉइड करनी चाहिए. आपके पास बाइंग है तो उसकी पुट ऑप्शन से हेज करें. ऑलरेडी इसमें अभी फॉल आ चुका है, थोड़ा कोई बाउंस मिलता है तो फिर मैं वापस अशोक लैंड और भारत फोर्ज, ये दो स्टॉक शॉर्ट के लिए मैंने चुना है. इनफैक्ट मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा बाय के लिए लिया था, बट अभी माहौल को देखते हुए मैं बाय रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें रिस्क क्रिएट हो सकता है. बट अगर शॉर्टिंग करनी है तो भारत फोर्ज, अशोक लैंड, ये दो स्टॉक है जिसमें आप पुट ऑप्शन लेकर के जा सकते हैं. जय, इस बीच आप देखिए, लेट्स टेक इंडिया विक्स. जरा आप इंडिया विक्स दिखाएंगे, 1667 1667 याद रखिए, इंडिया विक्स और इनवेक्स 1725. जरा इंडिया विक्स का प्लीज ईयरली चार्ट दिखाइए जरा आप. आई थिंक पोस्ट ब्रेग्जिट ये अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर है. मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे. अभी पोस्ट ब्रेग्जिट एंड पोस्ट बजट, याद रखिए, बजट कितने आपको याद है हमारा क्या लो था? 6896 हमारा लो था बजट के दिन, जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे उस वक्त वो लो था. उसके बाद हम ऊपर आए डे हाई पर, फिर मोमेंटम, फिर ब्रेग्जिट के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली गया आपका यहाँ पर. जब 24 जून को ब्रेग्जिट हुआ था, उस दिन देखिए आपका था करीब करीब 17 का लेवल, और उसके बाद से लेकर अब तक के सबसे सर्वोच्च तौर पर इंडिया विक्स है. ये ऑलमोस्ट आपका देखिए एक पैनिक शो कर रहा है. मृत्युंजय, आप बाय करना चाहेंगे ये, सॉरी नितिन, आप बाय करना चाहेंगे इंडिया विक्स को फॉर द टाइमिंग? नहीं, देखिए, इंडिया विक्स बिल्कुल मेरे ख्याल से बाइंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट दो महीने से ये 11, 12, 13 के बीच में काफी कंसोलिडेशन था और काफी अच्छा ब्रेकआउट है, बट काफी तेजी से बढ़ा है. बट मुझे लग रहा है कि ये इंडिया विक्स जो आप 17-18 देख रहे हैं, ये 21-22 की तरफ मूव कर जाना चाहिए. ओके. क्योंकि नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन में काफी तेजी से बाइंग आ रही है, तो मुझे लगता है विक्स ऊपर मूव करेगा 21-22 की तरफ. तो आपको क्या लगता है, 1765 पे 21 के टारगेट के लिए इंडिया विक्स बाय करना चाहिए नितिन? जी बिल्कुल बाय करना चाहिए. इनफैक्ट अगर इस लेवल पे भी बाय करना चाहिए, अगर थोड़ा सा नीचे भी आपको मिलता है तो इंडिया विक्स को बाय करना चाहिए. पॉसिबली 21 से 25 की तरफ भी अगर हम लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अनसर्टेन सिचुएशन में काफी तेजी से विक्स बढ़ सकती है. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखिए जैसे कि मैंने कहा, आप देखिए इंडिया विक्स अब ऑलमोस्ट 29% ऊपर डे हाई पर, करीब करीब 1780 के स्ट्राइक पे. ये डिस्कशन शायद आपसे एक घंटे पहले पॉसिबली किसी और तरफ होता, डायरेक्शन किसी और की तरफ होती, लेकिन अब कुछ और है इसके. आपके पास प्रिफर्ड शॉर्टिंग कैंडिडेट्स राकेश कुछ है क्या इस वक्त? देखिए, शॉर्टिंग के लिए अब इन स्तरों पर तो नहीं, निफ्टी ने भरपूर मौका दिया है. अभी 86.40-86.30 के अराउंड भी 85.50 एक इमीडिएट सपोर्ट है. मेरा ऐसा मानना है अगर किसी ने ऊपर में शॉर्ट करा तो एक बार नीचे में 85.50 के अराउंड काट के थोड़ा साइड में बैठना चाहिए. मार्केट में वीरेंद्र वोलेटिलिटी बढ़ रही है, और जिस तरीके से ये जो हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं देखे हैं, जैसे आपने भी मेंशन करा, लास्ट कारगिल वॉर था और काफी समय बाद हो रहा है, और कारगिल वॉर और आज के वातावरण में काफी फर्क है. अभी वॉर की बात नहीं करेंगे, अभी तो स्टेटमेंट की बात करेंगे, लेकिन दोनों चीजों में बहुत फर्क है. जो चीजें आपने देखी नहीं है, और ट्रेडिंग में पैसा लगता है गलत निकलने पर, साइड में होकर बैठना चाहिए. मेरे को इस चीज की खुशी है कि मैंने टाइमली अपने क्लाइंट्स को हमने टेस्ट करा कि आप लॉन्ग्स को काट दीजिए, और जब उस समय मार्केट 8700 के ऊपर था. बिल्कुल, अभी कल सुबह हम बात ही तो कर रहे थे, आपको याद है, इनफैक्ट चार्ट और इनफैक्ट हालात डेटा पहले से वीक था, लेकिन आई थिंक ये डिफरेंट आप देखें बिहेवियर है मार्केट का. आई थिंक पोस्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस 174 अंक नीचे 8574 डे लो पर. जरा सबसे पेनफुल स्टॉक्स को देखिए आप, जहां पे सबसे ज्यादा पेन है इस क्रम में BHEL 132.90 के स्तर पे लगभग 7.5% नीचे, अरविंदो फार्मा लगभग 6.5% नीचे, टाटा पावर, अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, हिंडालको, एक्सिस बैंक, लुपिन, सारे के सारे डे लो पर दिन के सबसे निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं. और इंडेक्स में शुमार सिर्फ एक काउंटर अगर आप देखें, इनफैक्ट दो काउंटर, एक सिर्फ भारतीय इंफ्राटेल और TCS जो है वो इस वक्त हरे निशान में है. रेस्ट ऑफ अगर आप देखें स्टॉक्स जो है, यानी ऑलमोस्ट 49 डे लो पर. मिड कैप में चलते हैं, मिड कैप में सबसे
सबसे पेनफुल स्टॉक्स कौन कौन से हैं इस वक्त, सबसे ज्यादा अगर आप देखें लॉसेस हैं वो है एजिस लॉजिस्टिक्स, यहां देखिए 14 रुपए की गिरावट। उसके बाद आप देखिए, मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव स्टॉक से बाहर निकल के आऊंगा, अनंतराज 10% नीचे। राजकेश जी आपकी प्रिफर्ड पिक थी अनंतराज मेरे ख्याल से, है ना, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मैंने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव था। देखिए आज भी इस मार्केट में भी वीरेंद्र, देखिए लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया हो तो डिशमैन और इक्विटास जैसे स्टॉक्स को डिलीवरी के नजर से उठाना चाहिए। चलिए इस बीच आप देखिए तो एक डेन नेटवर्क्स, डेल्टा कॉर्प 10-9% नीचे। उसके बाद देखिए आप एस्कॉट इस दौर का अगर आप देखें सबसे वाइल्ड स्टॉक था, ये करीब करीब 10% नीचे 343। अगर आप नितिन को ट्रैक करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे एस्कॉट्स पे? स्कॉट्स इधर में काफी अच्छा राइज कर चुका है, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन है। इस लेवल पे तो चार्ट डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, एक बार अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए एस्कॉर्ट्स अगर आप देखें इस वक्त सबसे बुरी स्थिति में है। उसके बाद एक दो स्टॉक्स और देखिए जहां पे काफी पेन है, डीएलएफ ये करीब करीब 10% नीचे। नितिन डीएलएफ 141, दैट मीन्स डीएलएफ अब आपका जुलाई अगस्त सितंबर सबके लोज पे आ चुका है, क्या कहेंगे इस स्टॉक पे? देखिए वीरेंद्र, 5,000 शेयर का लॉट है, 14-15 रुपए डाउन है, अब 70-80,000 का एक एक लॉट में लॉस हो रहा होगा। बट काफी चार्ट काफी खराब हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि और प्रेशर आ सकता है। कम से कम आप रोल ओवर्स किए तो आपको हेजिंग जरूर करनी चाहिए, उसमें पुट ऑप्शन आपको 140 की मिलेगी, उससे आपको हेज करना चाहिए, अदरवाइज एक एसएल मेंटेन करके चलिए। मेरे समझ से चार्ट काफी वीक है, हो सकता है स्टॉक 135 की तरफ मूव कर सकता है। नितिन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा, बहुत देर बाद मैं निफ्टी के चार्ट्स को देख रहा हूं, नाउ वी आर 8600, अभी 8600 के स्तर पे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, मिस्टर अभय आइमा। आइमा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने स्पष्ट कर दी स्थिति के वाकई एलओसी के नजदीक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और आतंकवादी को घूमते देखा गया वहां पे और हमने स्ट्राइक्स करी है। सर इस स्टेटमेंट का मतलब इटसेल्फ क्या समझते हैं आप, क्या था, क्या मैसेज कन्वे करना चाहती थी सेना और इसका बाजार पे इंपैक्ट कैसा देख रहे हैं आप? इसके ऊपर करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना जब डिटेल नहीं हो तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर वो कितना वायलेंस मिस्टर आइमा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक बार प्लीज उनको फिर से मिस्टर आइमा को जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, उनका व्यू वाकई काफी इंपॉर्टेंस रखता है, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं बाजार के, उनसे एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। 128 अंक नीचे अगर आप देखें, 128 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है, हालांकि इस रेंज में जैसे कि मैंने कहा था कि 8550, 8560 थोड़ी टर्बुलेंस बढ़ेगी, सडनली कोई शॉर्ट था वो कवर करेगा। अब देखिए जैसे कि नितिन भी कह रहे थे कि भैया एक लॉट है 5-5 लाख का, सडनली आपको समझ में आया नहीं, ब्रोकर्स का फोन आ रहे होंगे कि आपका ये लॉट काटूं कि नहीं काटूं, तो प्रेशर बाजार पे एग्जैक्टली अगर आप देखें अब आएगा, सडनली अब आएगा। अब आप देखें 150 पॉइंट निफ्टी नीचे है, आपका एक स्टॉक फ्यूचर इमीडिएटली आपके 1 लाख रुपए के लॉसेस में आ गया है। मिस्टर आइमा सुन पा रहे हैं आप मेरे को? मिस्टर आइमा, हाँ जी, या सर प्लीज अपनी बात कन्वे करिए। हेलो जी सर, प्लीज आप पूछ रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ गेस बिकॉज कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, वायलेशन कितना हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल का, पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा रहता है इसके ऊपर, तो इस पे अभी टिप्पणी करना थोड़ा कठिन रहेगा। बट हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और अगर ऐसा कुछ होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो मार्केट नॉर्मली सिंस इट वॉज बॉयंट ऑल्सो रिएक्शन आया है तो स्वाभाविक था। बट टू हैव अ क्लियर पिक्चर, अगर जब तक कि डिटेल में पता नहीं चलेगा और खासकर अदर साइड से कैसा रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स, इट इज टू अर्ली और टू प्रीमैच्योर टू टेक अ व्यू। लेकिन आपको लगता है सर, आई मीन कि इससे पहले जितने, चाहे वो पठानकोट हुआ हो, उसके बाद भारत का रुख और इस बार के उरी के अटैक के बाद भारत का रुख, सेना का रुख, ये डिफरेंट है ऑल टुगेदर? हाँ, वो तो एविडेंट था डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से, कि और पब्लिक प्रेशर भी इस बार काफी ज्यादा था, प्लस उनका जो प्री, जब वो अपोजिशन में थे, एक जो स्टैंड रहा है करंट गवर्नमेंट का, उसके उसको भी कुछ हद तक लिव इन करना था, और इस बार इंटरनेशनल प्रेशर काफी एंटी रहा है, तो सपोर्ट वो भी इंटरनेशनल का।
चलिए मिस्टर आइवर, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। आई थिंक लाइन में डिस्टर्बेंस है, पूरी बातचीत आपसे हो नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खैर आपका इस स्टेटमेंट का। आपने कहा कि वाकई स्थिति पहले से थोड़ी सी गंभीर है और इस बार पठानकोट जैसे हालात नहीं है, इस बार वाकई इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। हालांकि इस बीच के अगर आप देखें आज की लिस्टिंग, आज ICICI प्रूव के लिए दिन ही अच्छा नहीं था। आई थिंक इशू प्राइस के नीचे लिस्टिंग हुई, करीब 5 रुपये नीचे, उसको छू भी नहीं पाया लिस्टिंग प्राइस को। और अब से कुछ देर पहले अगर आप देखें तो इसने वो 300 का साइकोलॉजिकल लेवल था उसको वॉलेट करके नीचे आया। आई थिंक इंटरडे लो कुछ रहा होगा इसका, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इसके लिए कतई भी दिन अच्छा नहीं था। अब आई थिंक डाउन अबाउट 34 रुपीज़ फ्रॉम इट्स लिस्टिंग प्राइस।